जिला जेल में शुक्रवार को बंदी राजेश यादव की मौत के बाद जेल में बवाल हो गया। गुस्साए कैदियों ने अव्यवस्था का आरोप लगाते हुए जेल के अंदर नारेबाजी और हंगामा करते हुए जमकर तोड़फोड़ की। बंदी रक्षकों से मारपीट भी की गई। जेल प्रशासन की सूचना पर वाराणसी कमिश्नरेट की 10 थानों की फोर्स और जिला प्रशासन के अधिकारी जेल पहुंच गए। कैदियों का कहना था कि जेल प्रशासन की अनदेखी और लापरवाही की वजह से राजेश यादव की मौत हुई है। इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। पूरी घटना अब क्या समझाया जाए? आज से 6 महीना 7 महीना पहले हुआ ये था कि उनकी एक गाड़ी लोन पे थी, जिसकी वजह से कार्रवाई चल रही थी और इनको अंदर डाल दिया गया है। और एक इतना मतलब कि इतना प्रेशराइज किया गया कि इधर ऐसे है वैसे है। आए दिन तो पहले उनका एक गाड़ी मतलब कई बिजनेस वो करते थे, आर एस टूर एंड ट्रेवल्स नाम से था। तो उनका मतलब कि ये GST फिर नोटबंदी ये सब के कारणवश और फिर ये लॉकडाउन के जब हुआ उसके बाद उनका बिजनेस एकदम ठप हो चुका। आज मामला ये हुआ है कि एक बैग हम लोग को सुबह फ़ोन आया कि आपके पिताजी नहीं रह गए हैं, बाहर से आया जेल प्रशासन के अंदर। मुलाकात नहीं हुई थी, मुलाकात बंद थी, मगर कल फ़ोन पे बात हुई थी तो हमको नहीं लग रहा था उसमें किसी प्रकार का उनको दिक्कत है और ना ही उन्होंने बोला है। हम प्रशासन के छानबीन चाह रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि ऐसा एक बैग कैसे हो गया, एक स्वस्थ आदमी के संग एक बैग कैसे हो जा रहा है ये? क्या जेल प्रशासन में रहने के बाद यही हम लोग, अगर कोई वहाँ पे कैदी है तो यही उसका आखिरी होना चाहिए? नहीं, पहले तबीयत नहीं खराब था। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़े इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।